दिया तो डिग्री से गुजरना है। आप सोच रहे हो कि आवश्यकता पे मदद करना, अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्यास के कारण मेरे प्राण सूख रहे हैं, और ऐसे टाइम पे मुझे कोई दो घूंट पानी पिला दे तो उम्र भर के लिए मैं उसी क्या हो जाऊंगी। और अभी मुझे बिल्कुल प्यास नहीं, आप मेरे सामने छह प्रकार के जूस भी रख दो तो मुझे उसकी कोई कीमत नहीं। तो उस भाई ने जब बेगरी लाइफ से यद गुजर रहा था उस टाइम पे मदद की जब आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी, लेकिन पता नहीं कुछ पुरों के ऐसे पाप के प्रभाव उसके सामने आए, चलते चलते मुसीबतों में परिस्थितियों में फंस गया वो भाई, और इतनी बुरी तरह फंस गया कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने का। उसकी कंडीशन ये थी कि बस लास्ट है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये सोच लिया, पर फिर भी कोई पुण्य उदय हुआ, सही समय में सही विचार आया। काफी समय से यज्ञ से वो हटा हुआ था, माउंट आबू तो चार पांच साल से नहीं आया था। उसके बाद एक विचार आया कि एक बार में दादी प्रकाश मणि जी से मिल जा करके, ये उसका कोई पुण्य था जो ऐसा विचार उसके मन में आया, और वो दादी प्रकाश मणि से मिला जा करके दादी प्रकाश मणि को सारी प्रॉब्लम बताई। दादी जी अच्छी तरह जानती थी भाई की मदद की बाबा की। उसने कहा भाई तुम घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, मैं कल ही संदेशी को भेजूंगी भोग लगवाने और तुम्हारा सीधा सामान भगवान से मंगवाएंगे। क्या बोलता है बाबा? संदेशी जैसे ही बदन में गई भोग लेकर तो बहुत सुंदर सीन बाबा ने वहां दिखाया। वो जो प्रॉब्लम वाला भाई था सूत की गच्छी बुद्धि हाथ में लेकर बैठा था जो पूरी तरह उलझी हुई थी, उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा था, कभी इधर से धागा पकड़ता कभी इधर से कभी इधर से, पर वो जितना उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा उतनी ही उलझती जा रही थी, थक गया। जब वो थक गया तो निराश नजरों से उसने बाबा की तरफ देखा और बाबा बड़े साक्षी होकर उसे देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे दूर से। जैसे ही बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने अपना राइट हैंड ऐसे आगे बढ़ा दिया कि तूने सुलझा के देख ली, नहीं सुलझ के मेरे को दे दे। लेकिन उस भाई ने बुद्धि बता के बिना सोचे समझे वो बुद्धि बाबा के हाथ पे रख दी, और जैसे ही बुद्धि हाथ पे रखी वो ऑटोमेटिकली सुलझ गई। मैसेज यही था, बस यही सीन मैसेज था, जिन उलझनों को तुम सुलझा नहीं सकते उन्हें भगवान को दे दो, सौंप दो, समर्पित कर दो, समर्पित सौंप दो, दिल से सौंप दो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, दिल से। जब भी वो कोई बात परेशान करे, कोई भयभीत करे, कोई चिंता चिंतित करे, उस समय हाथ खोल के गीत गाना, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, बाग डोर तुम्हारे हार हार स्वीकार नहीं। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, है बाग डोर हल्के बिल्कुल लाइट हो जाओ। लेकिन सौंपने के लिए क्या चाहिए? हम अपनी कोई भी चीज किसी को सौंपेंगे तो किस आधार पे सौंपेंगे? विश्वास मस्ट कंपल्सरी। हमारा बाबा में निश्चय जितना होगा उतना हम सौंप देंगे, और यदि निश्चय ऊपर नीचे होगा तो कभी उसे देंगे कभी खुद लेंगे, ठीक है ना? मामा हमेशा कहती थी जो पता नहीं पता नहीं पता नहीं करते उनका क्या हो जाता है, इसीलिए एक बार सौंप दिया तो सौंप लिया, परिणाम चाहे कुछ भी हो सौंप दो। और वो बढ़िया से बढ़िया ही करेगा आपके सामने, बढ़िया से बढ़िया।